ये औरतें मेरे से घरेलू बातें कर रही हैं यहाँ बैठ के, देख पीछे बोलती है। हाय, सो आई एम बैक विथ माई मेस्ड अप कबर्ड जो बिल्कुल मैसअप हो चुका है। और मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जब एकदम ये मैसअप हो जाता है, मुझे चीज़ें मिलना बंद हो जाती है ना, तब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं पहले कर देती, बट सीन ये था कि मैंने मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, जिसका मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज़ करके भी मैं दिखाऊँ तो आप मुझे बता देना। और आप लोगों ने बहुत बोला था कि बताना। वैसे तो मैं खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर देती और पहले ही कर देती, बट मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए डिले हो गया। सो अभी मैंने इसको वहाँ रखा, मैं लेकर आती हूँ। सो ये रहा वो ऑर्गेनाइज़र। इसको अगर आप ऐसे पकड़ोगे ना तो ये से खुल जाएगा, तो इसलिए ऐसे मत पकड़ना। तो इसको अभी मैं नीचे रख रही हूँ। सो इसको मैंने जब मंगवाया था तो मैंने उसी रूम में रख दिया था इसको, तो पूरा डस्ट वगैरह हो गया था इसके ऊपर। अभी मैंने इसको बैठ के पूरा ढंग से क्लीन किया है, क्लीन आराम से हो गया था। लाइक बस आपको एक इसको क्लोथ से साफ़ करना था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्लीन तो अच्छे से हो जाता है। इसके जो बॉक्सेस हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं क्योंकि इसमें मैं सामान रखूँगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर बार लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं दिखाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़ तो क्या इसमें से उठा के उसमें रखूँगी। सब देखते हैं इस बार मैं क्या करती हूँ। बट लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो पता नहीं कैसे पसंद आ गई, कुछ मतलब रॉ ही था जो भी था। तो एक क्लोज़अप मैं आपको दे दूँगी इसका। और एक और ख़राब बात ये हो गई कि मेरी रिंग लाइट भी ख़राब हो गई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आधा चाँद दिख रहा है, तो ये पहले तो पूर्णिमा का चाँद था, अभी आधा चाँद हो चुका है, तो अब इस पे और ख़र्चा होगा। सो ये पूरा कच इस टाइप से मैच है। फिलहाल अभी जो टाइम हो रखा है वो है 1:45। और अभी मैं ऐसे ही उठ के बस खाना खा के थोड़ा सा और बैठ गई हूँ इस काम पर। अभी मैं शावर वगैरह भी नहीं लिया मैंने, तो करते हैं काम, बकवास बाद में करेंगे। तो अब ये सारा सामान मैं नीचे उतारती हूँ फटाफट से। ये वाला जो फेशियल किट थी ना, इसका मैंने उस दिन शूट कर रही थी, तो एक स्टेप अभी मैंने यूज़ किया ही, क्लेंजिंग मिल्क यूज़ किया। और मेरा फेस जो एकदम बर्न होने लग गया, लाइक हल्का हल्का सा सेंसेशन होता है वो ठीक समझ में आता है, बट ये तो बर्न होने लग गया। तो हैंड टू हैंड मैंने इसको रिमूव किया। आई डोंट नो ये कितनों को सूट करेगा, लाइक मेरे को तो सूट नहीं किया। सबकी स्किन अलग होती है, तो पता नहीं अगर आपने यूज़ किया हो, आपके साथ सेम एक्सपीरियंस हो तो बताना मुझे। मेरे कबर्ड की लिटरली हालत ऐसी हो रखी थी कि कोई मुझसे कुछ मांगता था ना कि लाइक सिरम दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लाइक मुझसे नहीं उठेगा ना। मैं इसको हाथ ही नहीं लगाती थी। सो हर बार की तरह ये पूरा फैल चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सारे डब्बे डब्बे हैं और फ़ैन चल रहा है, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में बैठ नहीं सकती, क्योंकि यहीं बेहोश हो जाऊँगी। या तो फिर ये सेट होगा या तो फिर मैं घर में बैठूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे क्लोज़अप शॉट देती रहूँगी। प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊँगी, बट हाँ जो रखूँगी वो दिखाती जाऊँगी। थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मेरी बहन आई है तो वो भी थोड़ा सामान निकालेगी, तो सामान हम ऐसे फैलाएंगे, देखते क्या होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट सारे डब्बे खाली कर वही कर लेकिन सारे नहीं करने, जैसे ये तो काम का नहीं है, सारे नहीं करने। जैसे अब उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे अब स्किन केयर है वो एक साथ करना है, तो स्किन केयर ऐसे फैला दो, ऐसे मेरे को दे दो डॉट एंड पी का। तो अपन एक वो करेंगे, या तो एक डब्बे में फिलहाल के लिए स्किन केयर भरती जा। या ले स्किन केयर में क्या क्या होता है, अब यहाँ बैठ के मैं देखो स्किन केयर समझाऊँ कि स्किन केयर में क्या क्या होता है। अभी कौन सी डेट थी, 2 दिन पहले 21 तारीख को, शायद 21 तारीख को रात को 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 नहीं 4 बजने वाले होते हैं क्या, तब मतलब ऐसे कुछ 4 बजे 4:15 तक तो चला था वो प्रोग्राम। तो हमारे भूकंप आ गया, जयपुर में भूकंप आ गया था। सो मतलब मेरे मम्मी ने, पापा ने और भाई ने फील किया था, हमने तो इतना फील नहीं किया। मैं बस ऐसे देखी थी कि पापा से दरवाजे की तरफ भागे, मम्मी पीछे भागी, तो मेरे को दिख गया कि ये भाग क्यों रहे रात को 4 बजे। सो मैं भी उठ गई थी, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो मेरा भाई भी उठ गया, और मेरी बहन तो मस्त घोड़े बेच के सो रही थी, तो मेरा भाई उसको ऐसा हल्का सा उठाया, उठ ही नहीं, मेरा भाई भाग के आ गया कि ये तो खुद तो जाएगी, मुझे भी ले जाएगी साथ में। तो उसको वहीं छोड़ाया, फिर बाद में वापस जाके आधे रास्ते में फिर उठा के आया उसको। बाद में केवल आवाज़ सुनाई दी थी मुझे, तो फील नहीं हुआ था, बट वो आवाज़ भी बड़ी, इतना ऐसा हो रहा है कि अभी भी कुछ आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। सो ये है मेरे गॉगल्स और इससे रिलेटेड एक सीक्रेट बताती हूँ। सो ये मैंने 350 का लिया है, और मेरे पापा ने जब मुझसे पूछा ना तो मैंने बोला कि 150 का लिया है, मेरी मम्मी ने बोला बोलने को। सो अब आई एम जस्ट होपिंग कि मेरे पापा ये वीडियो ना देखे। तो आप भी अपने पापा से ऐसे, आप मम्मी से ऐसे प्राइस छुपाते हो तो बताना मुझे, क्योंकि मेरे पापा को सब पता है कौन सी चीज़ कितने की आती है। कुछ दिनों पहले ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप इतना खर्चा करते हो, आपकी मम्मी डांटती नहीं है आपको? एंड मेरा रिप्लाई ये था कि डांटती ना, बहुत डांटती है, बट इसलिए डांटती क्योंकि मैं खर्चा करती नहीं हूँ। मतलब मेरी मम्मी कहती है मंगाओ मंगा सामान मंगा वीडियोस बना, तो मेरी मम्मी का रहता है कि मंगा वीडियोस बना, बट मेरा नहीं। फिर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मंगा लेते हैं, बना लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरे को डांटते हैं, बल्कि वो डांटते हैं कि करती क्यों नहीं है खर्चा। वो तो मैं वीडियो भी एडिट करती हूँ ना, वो भी मेरी मम्मी डांटती है, उसमें करती हूँ। बता सच्चाई बता, सच्चाई कि मैं कितनी डांट खाती हूँ, मैं कितनी मेहनती हूँ, आप लोगों की डायरेक्ट डाल देती हूँ मैं वॉइस। हमें मौका दें, कभी लाइव में बुलाएं, फिर हम आपकी तारीफ करें। शॉर्ट वीडियो डालती है ना मेरी, वो भी मेरी मम्मी की डांट से डलती है। हम चाहते हैं ये करे, पर ये डांट खा के करती है। तो मैं वीडियोस डालती हूँ, आपको लगता होगा कि बहुत एक्टिव है, वीडियोस डालती है, वीडियोस बनाती है। सो ऐसा है, मैं बनाती मन से हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी लेज़ी भी हूँ। सो मेरे को एक काइंड ऑफ ऊपर वो चाहिए होता है कि नहीं बॉस काम कराते हैं कि कर कर कर, वैसा वाला चाहिए होता है। सो यहाँ तो कोई बोलने वाला है नहीं, बट यहाँ पे भी छोड़ा नहीं गया मुझे। मेरे घर वाले मुझे दुखी करते रहते हैं, बना वीडियो। ऊपर से सीन ये है कि मेरे पास यही कमरा है, लाइक ये मेरे पेरेंट्स का कमरा है। सो शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा घर बहुत तगड़ा है, एकदम ऐसे डिज़ाइनें वगैरह बनी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सा वो है ना, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि कैसी और की दीवारें। और इसमें भी ऐसा होता है कि मेरे पापा रूम ही नहीं छोड़ते, फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं बैठूँगा यहाँ पर, तो अब मैं वो बैठेंगे तो फिर मैं कब शूट करूँ। फिर शाम को 6-7 बजे लगती हूँ शूट करने, और फिर ऐसे ही बन जाता है। ज़िंदगी चल रही है हमारी भी। इसमें देखो कैंडल कितनी सारी है, दिवाली पे अपन यही जलाएंगे। आप लोगों को मेरी हॉल वीडियोस कैसी लगती है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरा मोटिव जो है ना कभी भी हॉल वीडियोस नहीं था कि मैं हॉल वीडियोस बनाऊँगी। मैंने रेंडमली डाली, आप लोगों को पसंद आया, और मैं भी उस चीज़ से कनेक्ट कर पाया आप लोग कि मैं अच्छी चीज़ें सस्ते में ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सो मैं भी उस रीज़न से कनेक्ट कर पाया। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। अब हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। केवल 2 बॉक्स सेट हुए हैं, जिसमें भी ज्वेलरी और स्किन केयर। अब मेकअप वाला सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मेकअप मैं सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा मेकअप मैं इसमें डाल दूँगी, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बैग में डाल दूँगी। बाकी देखते हैं। बहुत भागे कहाँ ये डाल के दिखाएंगे गाइस को क्या होता है। हम ब्लॉगर्स खाना यूज़ का मजदूर के लिए भी चाय पड़ता है, ये इक्वल है। इसको तो भर के दे दे, देख ले दिखाई मुझे आधा गिलास देती। तुम बोलेगी ना मेरी ग्लोइंग स्किन है ना, तो आधा ही पीना पड़ता है मुझे। क्या ये जो स्मिरन से फ्री आई थी ना, ये बेजविला की कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। 4 hours later. So finally after 4 hours मेरा ये सामान सेट हुआ है। और सेट भी क्या हुआ है, इतना सामान है कि अभी भी अलमीरा भरी ही हुई है, और यहाँ सामान है तो बस थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है। अब ज़्यादा टाइम तो ये अलग अलग रहने ही सिरा, फिर से ये फैलेगा, बट जो भी है अभी मैं इसमें डाल दूँगी। फर्स्ट मैं यहाँ पे मेकअप का डाल देती हूँ, मैं आगे से आपको दिखा दूँगी, एक बार डाल दूँ उसको। ये एकदम फुल हो रखा है स्किन केयर का, ये सबसे नीचे डालूँगी। इसमें कुछ स्ट्रेटनर और ये सब फालतू सामान है। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा लाइक वीडियोस वगैरह का सामान है। एक खाली नहीं। सो ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको एक क्लोजअप शॉट दे देती हूँ कि कैसा है, और फिर ये अदा का बताऊँगी और फिर बाय बाय कर दूँगी क्योंकि अब हालत ख़राब हो चुकी है। सो यहाँ ऊपर आप कुछ भी ऐसे डेकोर रख सकते हो। उसके बाद है, इसमें काफ़ी सारा आइटम स्टोर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसका एक एक जो भी बकेट है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लाइक जो मेरा मेकअप था एक्स्ट्रा था जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी वो सब रखा था, क्योंकि यूज़ करने वाला मैं अलग से रखती हूँ। उसके बाद में ये था ज्वेलरी का, और ज्वेलरी का एकदम फुल हो चुका था, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था, वो इतना भर चुका था। अगर आपको ज्वेलरी कलेक्शन देखना है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थर्ड में मैंने स्ट्रेटनर्स वगैरह डाल दिए थे, थोड़ा बचा खुचा स्किन केयर डाला था। फोर्थ में भी ऐसे आइटम डाला था। फिफ्थ में सारा स्किन केयर, बहुत ज़्यादा स्किन केयर था, और ये साइड में रखा, डर लग रहा था कि कहीं गिर गिर ना जाए, सारा सामान ना टूट जाए। और अंदर अलमीरा में अभी भी बहुत सामान बचा था, तो जो परफ्यूम, लिपस्टिक, मेकअप वगैरह था सब अंदर रखा था। और साइड में मेरी हील्स, बॉक्सेस वगैरह सब पड़े थे जो मुझे, जिनका शूट करना था वो सब कुछ अंदर ही पड़ा था। लगता है एक और मुझे बॉक्स मंगवाना पड़ेगा। सो यही थी वीडियो। थैंक यू अब तक वॉच करने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।